मैं ये पूछना चाहता हूँ, 10 लोगों पे FIR है, 10 में से या किसी एक के भी घर में वो घर पे फैमिली वालों को उन्होंने उठाया है, या किसी एक के भी घर में वो घुसे हैं? आखिर MIM वालों को टारगेट क्यों किया जा रहा है यहाँ? अरे जामिया नगर के SHO से इस सवाल करता हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट करिए वो कौन बीट ऑफिसर है, वो कौन बीट इंचार्ज है जो अफजल आफरीदी के छोटे भाई को रात को 12 बजे उठा के लेकर आया। MIM इस पूरी घटना की मजम्मत करती है और इसकी शिकायत DCP से भी करेगी, कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी करेगी कि आखिर इलाके में एक तरफ आप मर्डर नहीं रोक पा रहे हो और दूसरी तरफ जो लोग अमन की जो पुकार लगा रहे हैं या अमन की मांग कर रहे हैं उनको आप रात को उठाते हो? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कैंडल मार्च निकाला, हम सियासी लोगों का ये काम है, और अगर कैंडल मार्च के खिलाफ FIR आप दर्ज करते हो DDME एक्ट में, करिए आप, कोई बात नहीं, इस पर जो भी हम होगा हम भुगतने को तैयार है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि रात को 12 बजे पुलिस दबिश डाले और वो कैंडिडेट ने MLA उसके भाई को उठा लाए? ये तो क्लियर कट ब्लैकमेलिंग। सचिन कंपनी से वापस आ करके उन्होंने 5 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए वक्फ बोर्ड की तरफ से, 3 लाख अपनी तरफ से उन्होंने दिया, और उनको जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के दिल्ली स्कूल है तालिब की बहन को नौकरी दी। क्या आप इससे नौकरी या इस 5 लाख से संतुष्ट हैं, ये बताएं? नहीं साहब, ये तो एक तरह से राजनीतिक खेल शुरू हो गया। अगर उन्हें मुआवजा ही देना है तो जो दिल्ली सरकार की स्कीम है 1 करोड़ का मुआवजा, तो 1 करोड़ रुपये देना चाहिए। दूसरी बात, नौकरी देनी है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में देनी चाहिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्कूल नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल है। तीसरी बात, इसमें सारी पार्टियां, कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, वो 50,000 रुपये देकर राजनीति कर रही थी, उससे बड़ी आम आदमी पार्टी ने सोचा मैं 5 लाख रुपये देकर राजनीति कर दूँ। लेकिन MIM इन दोनों टोकनिज्म के खिलाफ है। MIM चाहती है कि इलाके में अमन हो, इंसानियत कायम हो। यह हादसा ने इंसानियत को मारा था। दिन के उजाले में 7-8 गुंडों ने एक मासूम बच्चे को इस तरह मारा कि वो अपनी जान से चला गया, तो ये कोई मामूली हादसा नहीं है। इस हादसे को हादसे की तरह ही लेना चाहिए। ये ना पैसे से उस बच्चे की जान वापस आ सकती है। अलबत्ता सरकारों का ये काम है कि किसी को नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई की जाती है, और उसमें ये एक्स ग्रेशिया या ये इस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट देना अच्छी बात, लेकिन जो जिस लेवल पे यहाँ पे हो रही है, यानी हमारे बच्चे की जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये, सिर्फ 5 लाख रुपये, जब पूरी दिल्ली में और जगह 1 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, तो ओखला के बच्चे को 1 करोड़ रुपये क्यों नहीं? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? अब पुलिस तो 4 लोग अरेस्ट कर लिए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि पुलिस में जितने लोग नामजद हैं पुलिस सबको अरेस्ट करे, अरेस्ट करके उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त धारा पॉसिबल। इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है मामला, इन्वेस्टिगेट है, ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही। पुलिस बिल्कुल रात दिन है ना ढूंढने में लगी हुई मुजरिमों को। नहीं, पुलिस तो ऐसा कमाल का काम कर रही है कि जब उसका कैंडल मार्च RWA ने निकाला, और हमारे जो हमारे कारकुनान हैं, जो मजलिस के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उसमें जब गए वो, जबकि RWA का एक पब्लिक प्रोटेस्ट था, तो पुलिस ने सबको छोड़ दिया। उस तालिब के मामले में तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमारे लोग जो गए उनके खिलाफ उन्होंने FIR कर दी। चलिए कोई बात नहीं, उन्हें लगा कि साहब उन्होंने बिना परमिशन के कैसे जुलूस निकाल दिया। कम से कम 10-20 लोगों के खिलाफ उसमें FIR में नाम, लेकिन किसी को रात को पुलिस ने नहीं उठाया। पार्टी से किस किस का नाम है? हमारी पार्टी से अफजल अफरीदी हैं, आरिफ सैफी हैं, अफजल अफरीदी साहब तो यहाँ मौजूद हैं, आरिफ सैफी साहब हैं, एक और दो लोग हैं। और दूसरी बात यह कि इनको रात को 12 बजे कांस्टेबल इनके घर गया, ये नहीं मिले तो इनके भाई को उठा लाया। मेरा सवाल ये है, क्या पुलिस को ये नज़र नहीं आता कि जहाँ मर्डर हुआ दिन के उजाले में, वहाँ तो वो तफ्तीश चल रही है, उनको वो मुजरिम नहीं मिल रहे, वो मुलजिम नहीं मिल रहे, और एक मामूली जो सिविल जो ओबीडियंस में, यानी अपनी बात उठाने के लिए कि भाई इस तरह से अमन चैन रहना चाहिए इलाके में, कैंडल मार्च निकालते हैं। कैंडल मार्च निकालने वालों के रात तो घर में दबिश। कैंडल मार्च निकालने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी, परमिट नहीं मिला था, और पुलिस ने परमिशन देने से साफ इनकार की। उसके बावजूद है ना, रूल को उल्लंघन करके अगर कैंडल मार्च निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट तो दर्ज होगी। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कैंडल मार्च निकाला, हम सियासी लोगों का ये काम है, और अगर कैंडल मार्च के खिलाफ FIR आप दर्ज करते हो DDME एक्ट में, करिए आप, कोई बात नहीं, इस पर जो भी हम होगा हम भुगतने को तैयार है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि रात को 12 बजे पुलिस दबिश डाले और वो कैंडिडेट ने MLA उसके भाई को उठा लाए? ये तो क्लियर कट ब्लैकमेलिंग, और ये इस तरफ इशारा है कि आप
जिसने मारा उसको तो आपको अभी तक मिला नहीं, उसमें आप तफ्तीश कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और जो लोग उसकी इंसाफ की मांग उठा रहे हैं उनको घर से उठा के ला रहे हो, ये दिल्ली पुलिस पे सवालिया निशान है। मैं थाना जामिया नगर के SHO से ये सवाल करता हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट करिए वो कौन बीट ऑफिसर है, वो कौन बीट इंचार्ज है जो अफजल आफरीदी के छोटे भाई को रात को 12 बजे उठा के लेकर आया। MIM इस पूरी घटना की मजम्मत करती है और ये इसकी शिकायत DCP से भी करेगी, कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी करेगी कि आखिर इलाके में एक तरफ आप मर्डर नहीं रोक पा रहे हो और दूसरी तरफ जो लोग अमन की जो जो पुकार लगा रहे हैं या अमन की मांग कर रहे हैं उनको आप रात में उठाते हो। तो मतलब आप क्या लगता है कि 10-12 लोगों के नाम है उसमें, तो क्या सिर्फ अफजल खान आफरीदी के घर दबिश दी पुलिस ने या बाकी लोगों की आदि? देखिए, जब से MIM एक्टिव हुई है दिल्ली में इसका खौफ बहुत है, सारी पार्टियों में है, वो सारी पार्टियां चाहे पुलिस के थ्रू कराएं या किसी के थ्रू भी कराएं, और पुलिस तो खासतौर से हमें टारगेट किया जा रहा है। ऐसा हमने और जगह भी देखा, अभी हिजाब के मामले में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी हमारे लोगों को टारगेट किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि मजलिस डरने वालों की जमात नहीं है, मजलिस जानी ही अपने बेखौफ अंदाज के लिए जानी जाती है, अपने काम के लिए जानी जाती है, अपने स्टैंड पर डटे रहने के लिए जानी जाती है। हमारे जो रहबर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने ये हमें सिखाया है कि जब हक पे हो तो डट जाओ, और ऐसी पुलिस क्या, और जैसे अगर 10 गुने और भी ज़्यादा वो हम पे तकलीफ़ पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, तब भी हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। आज अफजल आफरीदी के भाई के साथ हुआ, लेकिन इनके साथ पूरी MIM खड़ी है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस अब आइंदा इस बात का ख्याल रखेगी, वरना दिल्ली पुलिस के भी खिलाफ MIM एहतजाज करने से पीछे नहीं हटेगी। अफजल भाई से जानना चाहेंगे क्या हुआ था आपके साथ रात में, पुलिस गई थी क्या, कैसे हुआ, कब हुआ? ये ऐसा ही है, सुदेश कुमार जी उनका फ़ोन आया और वो ये कहने लगे कि आपसे मिलना है हमें। तो मैंने बोला कि बताइए क्यों मिलना है। बोलने लगे कि DDMA का जो प्रोटोकॉल आपने तोड़ा है पेंडेमिक, उसके खिलाफ FIR हुई है। तो मैंने कहा वो मुझे पता है FIR हुई है, मैं कल सुबह थाने आ जाऊँगा। बोले नहीं अभी आना है आपको। मैंने कहा मैं अभी क्यों आऊँ, 12 बज रहा है, इस टाइम पर मैं आपको कैसे मिलूँगा आके, मैं ऑलरेडी बिजी हूँ, इलेक्शन का टाइम है, लोगों से मिल रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ अभी। बोलेंगे नहीं अभी आना वरना हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप घर चले जाइए, मैं घर पे हूँ ही नहीं, मैं बाहर हूँ, लोकल लोगों से मिल रहा हूँ। तो वो हम नहीं माने, मैंने उनको इतनी वो करा कि सर मैं सुबह आ जाऊँगा, ऐसा कोई एक्ट भी नहीं है उसके अंदर, 307-308 तो नहीं है मुकदमा नहीं। वो मेरे घर गए, मेरे भाई से बात की और ज़बरदस्ती मेरे घर के अंदर घुसे कि नहीं हमें देखना है घर के अंदर, विदाउट परमिशन में मेरे घर में घुसे। जब मैं वहाँ नहीं मिला तो वो मुझे मेरे भाई को लेके थाने आ गए मजबूरन। ये समझ लिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ 10 लोगों पर FIR है, 10 में से क्या किसी एक के भी घर में वो घर पे फैमिली वालों को उन्होंने उठाया है, या किसी एक के भी घर में वो घुसे हैं? आखिर MIM वालों को टारगेट क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? क्या पुलिस किसी के दबाव में आके काम कर रही है? आगे शिकायत भी किसी से आपने, किसी से? देखिए मैंने शिकायत सिर्फ अपने सदर से करी है, बैरिस्टर इनसे करी है, कलीमुल हफीज साहब से करी है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी इनकी सदारत में की जाएगी, सदर साहब की, सदर साहब जो कहेंगे जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। नहीं, हम बस यही कि MIM दिल्ली की खिदमत करने आई है, जो भी जुल्म होगा जहाँ पे भी वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे, और ये जमात जैसे मैंने कहा डरने और घबराने वालों की नहीं है, हम हर मुआज पे इंशाल्लाह डटे रहेंगे, और यही मजलिस की पहचान भी है। एक बात पूछूंगा आपसे, शोएब दानिश ओखला के बटला हाउस के काउंसिलर, 50,000 रुपया उन्होंने दिया चेक, अमानतुल्ला खान ने 3 लाख अपनी तरफ से या 2 लाख वक्फ बोर्ड की तरफ से, MIM जो है उन्होंने क्या किया उस तालिब की फैमिली के लिए? नहीं, MIM ने सबसे पहले तो हम जब उनसे मिले तो हमने उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बताइए हमारी कहाँ। तो पूरा ओखला खड़ा है जी हाँ, लेकिन देखिए साथ तो यही तरीका होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का कि वो जाके मिलती है, सबसे पहले भरोसा दिलाती है। माली मदद की बात हो? नहीं, माली मदद अभी हमने नहीं की, इसलिए नहीं की माली मदद कि हम अभी इस पूरे केस को समझना चाह रहे थे कि आखिर ये असल इशू क्या है, इशू क्या माली नुकसान का है या जानी नुकसान का है। हमें ये लगा ये जानी नुकसान का है, ये माल से ज़्यादा उस शख्स की जान की कीमत है, माल से ज़्यादा उस कानूनी कार्रवाई की कीमत है कि क्या वाकई जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएंगे या माल के चक्कर में दब जाएंगे। अब ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने 50,000 की मदद दी है या 5 लाख की मदद दी है, मैं आपको बता दूँ वो जो जिनके बाबू भाई का जो बच्चे का इंतकाल हुआ है वो ऐसा उनके लिए ज़रूरत नहीं है कि साहब वो 50,000 के लिए बैठे थे। असल बात तो ये है कि उन्होंने अपना लख्त जिगर खोया और अकेला बच्चा था, और चूंकि ये मेरे MIM के मेरे ये इनके सगे फूफा हैं, वो जो मरने वाला बच्चा है
परवेज मियाँ का सगा फुफजाद भाई है, ये मेरे मजलिस के सिपाही हैं, तो अगर हम मदद भी करेंगे तो हम इस तरह से नहीं करेंगे दिखा के, चूँकि हमें इस तरह के मर्डर पे राजनीति नहीं करनी। ये मदद जो है हमारी और उनकी आपस की होगी, जाहिर बात है वो हमारे भाई हैं, हमें हमें उनके हर हाल में उनके साथ खड़े रहना। कलीमुल हफीज साहब, एक बात कहूँगा, पूछूँगा कि जान तो वापस आ नहीं सकती, वो तो चली गई, जो एक बार जाता है वापस नहीं आता। रही बात कार्रवाई की, तो पुलिस कर रही है, चार लोग अरेस्ट हो गए। अब रही बात कि उनके घर में कमाने वाले कोई नहीं है, बूढ़ा बाप है, एक ही इकलौती औलाद थी वो जा चुकी है, यानी कि उनका मर्डर हो चुका है, तो अब उनको ज़रूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की जी, वो मिलना है ताकि उनका गुजर बसर चल सके, क्योंकि 5 लाख और 2 लाख या 50,000 ये बहुत छोटी रकम है, और ये कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं। ऐसा परमानेंट आप लोगों ने उनके लिए क्या सोचा है, जो परमानेंट उनका चलता रहे गुजर बसर? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात कही, और बाबू भाई से मैं बात भी करूँगा अभी कि हम उनका कुछ ऐसा इतना अरेंजमेंट करा दें, ख़ास तौर से उनके परमानेंट इनकम का, कि जिससे उनके बच्चे की जो आने वाली इनकम थी उसकी भरपाई हो जाए, और जैसे भी वो हमारे साथ कंफर्टेबल होंगे, जिस तरह की भी कंडीशन में, इवन माली भी हम मदद करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये एक तरह से बहुत छिछोरी राजनीति पे चली गई है, 50,000 वर्सेस 5 लाख, अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं बोली लगा दूँ 10 लाख की। मैं कहता हूँ कि उनकी जो जेन्युइन मदद होगी उनसे बात करके, ताकि उनकी बच्चा जो उनको आमदनी से उनको सुकून पहुंचाता, उसको हम किसी तरह से कंपनसेट कर सकें, और जाहिर बात है दुनिया में भी इसका जरूर हमें अजर मिलेगा, और आखिरत में भी अजर मिलेगा, और पार्टी इसके लिए तैयार है।